मैं सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्र, दीपावली, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश और जनपद वासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता पर इस दिवाली विशेष ध्यान दें, प्रदूषण को कम करें। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज। स्वच्छ गाजीपुर, सुंदर गाजीपुर, स्वस्थ गाजीपुर, हर कदम स्वच्छता की ओर। जी हाँ, स्वच्छता सिर्फ सरकारी कागजातों में ही नहीं बल्कि अब खुले तौर पर देखने को मिल रहा है। इसका नज़ारा जहाँ मंदिर, मस्जिद या अन्य सार्वजनिक जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इन छात्रों को स्वच्छता मिशन से जुड़े लोग जनपद अधिकतर कॉलेजों में पहुंचकर छात्रों को स्वच्छता के बारे में समझा और बता रहे हैं। साथ ही उन्हें स्वच्छता के लिए शपथ भी दिला रहे हैं ताकि वे खुद और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के बारे में बता सकें। इस कड़ी में सदर विकास खंड के आदर्श बाजार हाथीकाना गाजीपुर निजामुद्दीन इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बच्चों के बीच में स्वच्छता की पूर्ण रूप से जानकारी संजय दुबे CLDS के माध्यम से दी गई। हजारों की संख्या में बच्चे मौजूद रहे और सभी बच्चों ने यह शपथ लिया कि खुले में गंदगी न करेंगे न करने देंगे। इस मौके पर विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन सिविल टीम करंडा को शुभकामना दिया गया और संजय दुबे को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए और उनकी लिस्ट तैयार हो सर कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई निडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करे, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है वंत तक दान के रूप में ही उस निडी व्यक्ति तक पहुंच जाए।